मॉर्निंग गाइस, सो हाउ आर यू? आई एम फाइन। और आज मैं आपको सुबह सुबह लेके आ रही हूँ ताकि आपका स्किन कैसे ग्लोइंग दिखे, तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो आज मैं फेम यूज़ कर रही हूँ, जो इसे ब्लीच कहते हैं। तो आप कहीं में भी आपको मतलब इंस्टेंट ग्लो चाहिए, वेडिंग में जा रहे हो, कोई भी पार्टी में जा रहे हो, तो आप इसे पहले दिन यूज़ कर सकते हो। आप मैं तो 100% श्योर दे रही हूँ कि आपको ये ग्लोइंग लुक देगा ही देगा, क्योंकि मैंने भी बहुत बार यूज़ किया है। तो आज फिर से मैं आपको अप्लाई करके फिर दिखाऊंगी। तो ये कुछ ऐसा रहता है, देखिए इसका पैकेजिंग। तो ये गोल्ड ब्लीच है, तो ये रहा इसका पैकेजिंग। और इसके अंदर में क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे कहना है कि आप इसे यूज़ करने से पहले आपको दो चीज़ का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको पहले स्किन एलर्जी मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं वो आपको टेस्ट करना होगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक है, आप कान के पीछे जो ये जो बाल है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लगा कर कुछ देर रख के आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इचिंग हो रही है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर नहीं हो रही है इसका मतलब आपको ये सूट कर रहा है। और दूसरी जगह आप यहाँ पे भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लगा आपको इचिंग नहीं हो रही है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर हो रही है तो समझ जाइए कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब एलर्जी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोई बात नहीं, तो मुझे तो बिल्कुल ये प्रोडक्ट सूट करता है, इसे मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको इंस्टेंट ग्लोइंग चाहिए, जैसे वेडिंग फंक्शन के लिए, कोई भी पार्टी के लिए, अगर आपको फेशियल करने का पार्लर जाने का टाइम नहीं है, तो आई रिकमेंड दिस कि आप ये अप्लाई ज़रूर करें। मेरा तो बहुत काम आता है और मैं यूज़ भी करती हूँ, इसलिए आपको इतना कॉन्फिडेंटली आपको बता पा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये सूट कर रहा है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिए। तो इसके अंदर में क्या क्या चीज़ आता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये रहा, तो मैंने इसको प्लेट में रख दिया है। जब भी आप इसको मतलब मिलाए क्रीम को और ब्लीच पाउडर को, तो ध्यान रखिए हमेशा ये शीशा का प्लेट होना चाहिए या तो फिर कोई बॉल होना चाहिए। तो ये है क्रीम, तो आप अपने स्किन के आपके फेस के हिसाब से आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, कितना क्वांटिटी लेना है, ये आपको आइडिया हो जाएगा। और ये है ब्लीच पाउडर, तो आप देख सकते हो ब्लीच पाउडर, लेकिन मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेती हूँ, मुझे इतना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लीच उतना स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही, ज़्यादा मत लीजिए, बस थोड़ा सा। मैं बोलती हूँ अगर एक छोटा स्पून टीस्पून अगर आप क्रीम लेते हो तो उसमें एक चिमटी ओनली ये पाउडर यूज़ कीजिएगा। और ये जो स्पून दिया हुआ है तो आप इसको मेल्ट भी कर सकते हो, मेल्ट करके अपने स्किन में भी लगा सकते हो ऐसे करके। तो इसके हेल्प से आप स्किन पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो हो गया, लेकिन हाँ ज़रूर याद रखिए कि आप जब भी इसे यूज़ करें तो हमेशा कांच की प्लेट ही होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहले मैंने स्किन को फेस वॉश से अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। आप देख सकते हो अब मेरा स्किन एकदम क्लीन है। गाइज, आप देख सकते हो कि मैंने अपना स्किन एकदम फेस जो है फेस वॉश से अच्छी तरह साफ कर लिया है, तो अभी बिल्कुल क्लीन लुक है। तो अब मैं इसके ऊपर फर्स्ट जो मैं स्टेप है वो है आइस क्यूब, तो वो मैं अप्लाई करने वाली हूँ ताकि स्किन हाइड्रेट रहे। तो ये ना आप यूज़ कर सकते हो ऐसे, लाइक दिस। तो ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसको अगर एक कपड़े के अंदर में यूज़ करें तो और बहुत ही अच्छा है, जो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस के हिसाब से मैंने कितना क्वांटिटी मैंने यूज़ किया है, तो आप देख लीजिए अच्छे तरह से। तो मैंने इतना सा क्रीम में इतना सा मैंने पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर मैंने यूज़ किया है। तो अभी मैं इसको अच्छे तरह से मिलाऊंगी,
उसके बाद स्किन में अप्लाई करूंगी। मैं भी अप्लाई करने वाली हूँ, तो देखिए अगर आपको इस स्पून से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने फिंगर का भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं कुछ देर बाद अपने फिंगर का ही हेल्प लूँगी करने में, तो पहले मैं इससे लगा लूँ अच्छी तरह, फिर मैं अच्छी तरह से अपने फिंगर से लगा दूंगी। हाँ, ध्यान रखें कि आप आईब्रो पे यूज़ ना करें, तो आईब्रोज बचा के अगर लग भी गया तो अपने उंगलियों के हेल्प से हटा दीजिए। तो अभी पूरा मैं फेस में अप्लाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने अपने पूरा फेस पे मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है और पूरा नेक तक लगाया है मैंने, तो पूरा अच्छी तरह से कहीं में भी आपको अगर दिखाई देगी, मतलब कि सिर्फ आपको आइज़ बचाना है, आँख जैसे आइज़ के ऊपर में आपको बिल्कुल ही नहीं लगाना है। तो ये सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए और आइज़ से बहुत डिस्टेंस रहना चाहिए। ये जो आपका जो सर्कल पॉइंट है ना, तो ये आपको पूरा सर्कल रहना चाहिए, आप इसे बिल्कुल आँखों के सामने मत लगाइए, नहीं तो आपको आँखों में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आँखों के बचा के आप हर जगह, तो ज़्यादा मोस्ट ऑफली मतलब कहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे इस जगह पे होती है ब्लैक स्पॉट पर, इस जगह पे होती है, तो ये सब जगह पे आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाइए, तो आपको मतलब ज़रूरत है इस बात की। तो ऑलमोस्ट मैंने निक तक मैंने लगा लिया है, तो आप देख ही सकते हो तो फेस में। तो इसको मैं रखूँगी ओनली 15 मिनट्स। तो अभी तो टाइम हो रहा है, मेरे घड़ी पे 10 बज रहा है, तो मैं अभी 10:15 तक मैं अभी रखूँगी। तो आप हमेशा जब भी ब्लीच करो तो आप या तो मॉर्निंग में यूज़ करो या तो फिर इवनिंग टाइम में, दोपहर के समय बिल्कुल आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि तब धूप रहता है, सब कुछ रहता है, तो इसलिए तो अच्छा नहीं रहता है। अगर आप शाम को इवनिंग में यूज़ करते हो या तो फिर मॉर्निंग में यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हाँ, जब भी आप ब्लीच यूज़ करते हो तो आप धूप में मत जाइएगा, उसको अवॉइड करिएगा उस दिन, या तो फिर एटलीस्ट आप 2-3 घंटे के लिए आप मत जाइए। अगर आप उस दिन कहीं धूप मतलब स्किन में अगर लगती है तो आपको फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि आपको ये हेल्प करता है जो टैन रिमूविंग का काम करता है, तो वो आपको कैसे होगा, तो फिर आपका ये पूरा जो कोशिश ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप बाहर नहीं जाना, कोशिश कीजिए कि उस दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ना हो तो आप बाहर मत जाइए। तो जब आप फ्री टाइम रहो, जिस दिन आप घर पर रहो, उस दिन आप यूज़ करें। तो मैंने ये तो लगा लिया है, तो अभी मैं ये 15 मिनट्स के लिए मैं रखूँगी, तब अच्छी तरह देख लीजिए कि मैंने इसको कैसे अप्लाई किया है। तो चलिए मैं आपके 15 मिनट्स बाद मिलती हूँ। गाइस 10 मिनट्स हो गए हैं और 5 मिनट्स बाकी हैं, तो तब तक के लिए जो स्किन पे मेरा जो लगाया हुआ है, इसको हम फिर से अपने उंगलियों के हेल्प से हम ऐसे ऐसे से कर सकते हैं। आप चाहे तो आइस क्यूब लेके भी कर सकते हो, तो मैंने पहले आइस क्यूब यूज़ किया, दोबारा भी यूज़ करते हैं कोई बात नहीं, तो फिर से मिला सकते हो उसको धीरे धीरे अपने उंगलियों के हेल्प से। तो ऐसे आप 2 मिनट करो, फिर जैसे 5 मिनट हो जाएगा तो टोटल हमारा 15 मिनट्स हो जाएगा, तब आप फेस अपना अच्छे से धो लें। लेकिन हाँ, बहुत आराम से धोए अपने स्किन को। आज देखिए मेरी इंस्टेंट ग्लो स्किन, तो बताइए तो वर्क करता है ना, इट्स रियली वर्क। तो आप स्किन में सामने से दिखा रही हूँ आपको, तो आप देखिए, आप ठंडे पानी से अगर फेस वॉश करते तो बहुत ही अच्छा, तो देखिए बहुत ही स्किन ग्लोइंग नज़र आ रहा है मेरा, राइट। तो निक भी निक तक मैंने यूज़ किया है इसको, तो आपके सामने सब कुछ है। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल का नाम है ग्लैम विद पिंकी दास। तो ग्लैम विद पिंकी दास में आपको बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है आगे जाके, तो प्लीज़ हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।